हाय, कैसे हो परी? आप बताओ। हम ठीक हैं। आज तू कैसे खोलने आ गई दरवाजा? अच्छा सुन, आजा। अब तू मुझे घर दिखाएगी और सबसे मिलवाना भी है। सब okay. लोग हैं ओके okay. परी जी, एक बात बता, तू तो बहुत बड़ी हो गई यार, इतने सालों बाद देखा तुझे। कितने साल की हो गई? मैं 13 ईयर की। अरे वाह, चलो अब आप इसके घर चलते हैं। तो दरवाजा खोला परी ने। देखो परी है ना, और परी मेरे जीजा जी के जो छोटे ब्रदर हैं उनकी बेटी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कलाकार यही है इस घर में। और आज ये हमें अपना घर भी दिखाएगी और सब लोगों से मिलवाएगी भी। ठीक है, चले अंदर। एक बात बता, मम्मा कहाँ है तेरी? मेरी मम्मा मेरी रूम में है। चलो इसकी मम्मा से भी मिल लेते हैं। ये है मेरी मम्मी। हेलो, कैसे हो? ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। ओ तेरी भाई, ये बड़ा सिखा के रखा हो तूने बच्चों को। हैं? सही में? सही में। अच्छा वो तो है। देख, हर मम्मी के बच्चे और बच्चे की मम्मा दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं, है ना? और खैर एनीवे, अबे इंट्रोडक्शन तो करो, नाम तो बताओ। मुझे तो पता है, प्रीति राणा। प्रीति राणा, एंड शी इज गोइंग टू बी 41 दिस ईयर। क्यों, तूने बताना जरूरी है? अबे एज नहीं बतानी होती। अरे तो कुछ करके छोड़ेगी तो मैं बदनाम कर दिया तेरी एज, सारी दुनिया को पता चल गई, अब नहीं भी पता होगी। अच्छा अच्छा, ये हैं प्रीति राणा, ये परी की मम्मा है। हमारे जाने पापा। हेलो, ये मेरे जिया जी हैं नवदीप राणा जी, है ना? कैसे हो? बढ़िया जी, आप सब? चलो आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे हैं आप। चलो हाँ, अच्छा। और ये है मेरा ड्राइंग रूम जिससे मैंने अपना आर्ट रूम बना रखा है। ये तेरा ड्राइंग रूम है, तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम? घर का ड्राइंग रूम। अच्छा, बट ये मेरा आर्ट रूम है। ये आर्ट रूम है? ओहो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सजा रखा है। ये क्या सजाया है भाई तूने? ये बॉटल है, ये मैंने। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे सब पता है, तू बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तेरी कहानी बाद में सुनेंगे, पहले सबसे मिल लें। अब ऊपर चल रहे हैं। ये ऊपर मेरी सिस्टर का घर है, हालांकि घर तो एक ही है, ऊपर रहते हैं। यहाँ पे हमारे सिब्लिंग्स। ये देखो, ये कौन है? ये मेरी बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी। और ये मेरा भाई, और ये मेरा बड़े पापा का बेटा। ये दोनों गायब हैं, दोनों हीरो बड़े हो चुके हैं और ये दोनों पार्टी में गए हुए हैं, है ना? तो हम आ चुके हैं ऊपर, जहाँ पे ये लॉबी है। बड़ा सुंदर बना दिया तुमने, बड़ा रेनोवेशन पैसा खर्च कर दिया लगता है। ये तो बहुत अच्छा यार, यहाँ पे सबसे बड़ी लाइट। हाँ, होटल बना दिया तुमने पूरा, है ना? ये तो बड़ा अच्छा कर दिया यार, काफी पैसा खर्च करा तुम लोगों ने। इनकम टैक्स का छापा डलवा दें उनसे करे, जिन्होंने पैसा खर्च करा है। अच्छा चलो बढ़िया। तो अब हम चल, रुको एक मिनट, रुक जा यार। फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम आ गया, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है, उनकी फैमिली, और नीचे छोटे ब्रदर रहते हैं। और ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है, एक भाई ऊपर एक भाई नीचे, है ना? हाँ। और बीच वाले वो कहाँ जाते हैं? अगर तीन भाई हो तो वो शहर से बाहर। अच्छा चलो, ये तुम्हारी बालकनी है? अरे वाह, है नजर रखते लोगों पे, या लोग तुम्हारे पे नजर रखते हैं? लोगों पे नजर रखोगे। अच्छा ये सामने तुम्हारा चर्च है, ओके। सुना यहाँ कुछ और शैतान भी है इस घर में? दिखाएं उन शैतानों को। ये दो शैतान इधर बैठी हुई हैं। हेलो, ये देखो, इन बता तो दे कौन कौन शैतान है। ये है सबसे बड़ी शैतान, ये है चेरी। ये तो काला थोड़ी है, तुम चेरी राणा हो? नहीं, अन्नवी अरोड़ा, घर का नाम चेरी है। तो ये मेरी सिस्टर की बेटी है, एकमात्र बेटी, है ना? कुछ कहना है जनता से? एक सब तेरे ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं है, सारे चुप रहते हैं इस घर में, ऐसा लगता है सब बड़े खामोश हैं, बड़े बेचारे, है ना? हाँ, ऐसा ही है ना सारे? बोलने ये ऐसा लग रहा है सब बेचारे कभी बोले ही नहीं जिंदगी में, ये ड्रामेबाज हैं सारे। और ये ल, ये आगे नौटंकी नंबर वन, ये सबसे बड़ी नौटंकी है। ये मेरे जो ब्रदर है, मेरे से जस्ट यंगर ब्रदर, सुनीत कालरा, विक्की कालरा, उसकी बेटी है। अबे शगद का बड़े भाई की बच्ची। इधर नाटक खोर हैं दोनों, इतनी बड़ी नाटक खोर।
सांप सूंघ गया इनको, क्या सूंघा, क्या सूंघा इनको, सांप बोल क्या सूंघा, सांप, सांप सूंघ गया। इधर भी चलते हैं, ये रे ये हमारे पापा जी हैं, ये देख लो भाई, सबको मिलवा रहा है, हाँ सबको मिलवा रहे हैं, ये मेरे फादर हैं भाई, हेलो, अरे हेलो ही नहीं बोल रहे, हेलो हेलो हेलो, चेरी मिलवा रही है सबसे, और चेरी नहीं परी, सॉरी परी, मन्नत अरोड़ा, हाँ मन्नत अरोड़ा, हाँ मन्नत, इसका नाम हाँ। मन्नत है, हम तो भूल ही गए, मन्नत, और ये मेरी सिस्टर है, हेलो हेलो रितु मम्मा, मन्नत रितु मम्मी मम्मा, अच्छा तू मम्मी बोलती है ना, रितु कालरा हमारे लिए तो रितु है, हाँ जी आज तो देखो इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप भी आ गए हो, बैठो बैठो बैठो, ये बॉबी सुनंदा, बता दो तुम क्या लगते हो मेरे, हेलो ये मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया ये मेरे भाई साहब हैं, छोटे भाई मेरे से एक साल छोटे हैं, और राणा जी से आप मिल चुके हो, मेरे जिया जी, और ये शैतान नंबर वन सबकी बाप है ना, और अब मिलवाता हूँ मिस्टर अनिल खुराना, खुराना जी, और खुराना जी मेरी ऑडियंस भी हैं और मेरे जिया जी के दोस्त भी हैं है ना, और आज मिल ही गए है ना, फ़ोन पे बड़ी बातें हुई, आज मिल ही गए, चलो मिलवाता हूँ। ये देख चाय बना रही है बेचारी, भाई चाय बनानी आती भी है जो हमें पिला रही है, हाँ। हैं ये क्या डाला तूने, नमक डाला चाय में, नमक डाला काली मिर्च, मसाला चाय है, मसाला चाय भाई पी लेंगे हम, लुढ़क तो नहीं जाएंगे ऊपर, एनर्जी आ जाएगी एकदम, देखते हैं भाई। और तू क्या बना रही है, मैं साफ कर रही हूं, माई, अच्छा तू माई है, ये माई बन चुकी है ये चाय वाली, हाय हाय क्या जमाना आ गया, बिचारियों को कितने काम करने पड़ रहे हैं, ये देखो ये बेचारे हमारे दोनों बच्चे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, और हम कुछ नहीं दे सकते, चलो जल्दी लेके आओ। एक बात बताओ, तू तो मैंने सुना डाइटिंग पे था, डाइटिंग पे तो हूँ मैं, ये डाइटिंग चल रही है, चिकन खा रहा ना, प्रोटीन, प्रोटीन तो है, सुबह से बताना जरा, तू बता दे भाई सुबह से क्या क्या खाया तुम लोगों ने, आज तुम बाहर गए थे कहीं पे आउटिंग पे, क्या क्या खा के आए हो, सच झूठ नहीं बताना, चिकन की कसम है तुम्हें, बताओ बता बता, थोड़े बहुत मंचूरियन खा लिए थे, पिज्जा, हाँ पास्ता, बस बस, और पिया क्या, मोहितो, और बस बस पानी, पानी, अच्छा पानी नहीं तुमने, कुछ नहीं खाया इसके अलावा, इसके अलावा चिकन ड्रम्स ऑफ हेवन खाए थे, ड्रम्स ऑफ हेवन खाए थे, ड्रम्स ऑफ हेवन खाए थे, अच्छा अब तो तुम हेवन में आ चुके हो, अभी क्या क्या खा चुका तू, अभी चिकन खाया मैंने, हाँ। दो पीस चिकन के बस, और बस और कुछ नहीं था, तो तू तो उसमें था, तू कह रहा था मेरा वो है डाइटिंग चल रही है, संडे है ना, डाइटिंग होगी ना, संडे चीट डे, हाँ। कल भी चीट डे था तेरा, नहीं कल नहीं था, क्यों कल तूने खाया घर पे, मैंने देखा वो संडे स्टार्ट हो गया था कल से, कल कल क्या हुआ, क्या फ्राइडे से, अच्छा तुम दोनों अपना एक वो खोलो चैनल चटोरे के नाम से, चटोरे हैं, और क्या शक्ति चटोरे, क्या चटनी चटोरे, शक्ति चटोरे, चटनी चटोरे, चलो ओके बाय। परी जो है आज हमें कुछ दिखाने जा रही है, चल दिखा भाई परी, परी एक्चुअली बहुत टैलेंटेड बच्चा है, हालांकि कितने साल की होगी परी, 13 की होने वाली हो या हो गई, होने वाली है, होने वाले हो, और इसका यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम से है, स्वीट पी मन्नत, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ओके ओके मन्नत, तो मैंने सुना है परी तेरे बहुत सारे हॉबीज हैं, तू बहुत कुछ कर चुके, और मैंने सुना तुम एक बुक भी लिख चुकी हो, हाँ जी, कौन सी बुक लिखी और कब लिखी थी, द थ्री सिबलिंग्स, मैंने लास्ट ईयर लिखी थी, लास्ट ईयर में, ओके वो कहाँ पे है, वो ये पढ़ी, और ये मेरी बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, किंडल पे भी अवेलेबल है, थ्री सिबलिंग्स, मन्नत अरोड़ा, 12 साल में लिख दी तुमने किताब, यस, अरे वाह कमाल कर दिया, ये तो कोई रिकॉर्ड ना बना दिया मन्नत, अच्छा बताओ, अच्छा तूने बुक लिखी, और ये किसके बारे में बुक, ये एक्चुअली थ्री सिबलिंग्स के बारे में है, मतलब वो तीन सिबलिंग्स, इट्स लाइक इमेजिनरी, अच्छा फुल इमेजिनरी सुपर पावर, ये किस पे है, कोई उस पे भी है, अमेज़न वगैरह पे है ये, हाँ जी अमेज़न और किंडल ऐप पे, और कितने की है ये बुक, 99 रुपीज़, 99 एक रुपया क्यों काट लिया, अच्छा चलो ये तो हो गया, इसकी बुक मुझे दिखाना, ये इसकी बुक है मन्नत अरोड़ा ने जो लिखी है,
और आप खरीदना चाहें तो 99 रुपये दे के श्रद्धापूर्वक आप इसको खरीद सकते हैं। 3 siblings के बारे में चलो, और क्या शौक्स हैं? और शौक्स नहीं, हॉबीज क्या हैं? पेंटिंग्स, हाँ, और फोन चलाना तो सबका ही, वो तो सबका ही होता है। और तुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है मुझे लग रहा है, है ना? तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पता नहीं, अभी तुम कुछ दिन पहले, कल आज सुबह ही शायद मैंने सुना था तू बोल रही थी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों डॉक्टर बनना चाहती है? मतलब बस जो लोग हैं उन्हें ठीक करो और दूसरों को बीमार भी करो। बीमार क्यों? अच्छा चल ठीक करो। हाँ, नहीं तो जरूरी क्या है डॉक्टर क्यों बनना? बस इसीलिए कि लोगों को ठीक करना है? जो खुश भी तो कर सकते हो लोगों को, जो पुअर पीपल होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते अपने जो इलाज, जो इन्हें बीमारी होती है तो उन्हें फ्री में करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बड़े अच्छे उच्च विचार हैं। तो मदर टेरेसा बन के रहेगी लग रहा है मुझे। अच्छा तू और तुमने सुना कोई ड्राइंग पेंटिंग भी करती है? हाँ जी। दिखाना जरा। तो एक पेंटिंग तो वहीं पे है जो, हाँ ये इसकी एक पेंटिंग है ये। हाँ जी। अच्छा ये इसने एक पेंटिंग बनाई है और ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी अवेलेबल है। अच्छा और लिंक नीचे दे देंगे। इंस्टाग्राम आईडी पे भी है? यस। अच्छा और यहाँ पे मैंने ये क्या बनाया? ये क्या है? ये बॉटल कस्टमाइज करी हुई है मैंने। अच्छा ये फुल पर्ल्स और फ्लावर्स बॉटल का, ये एक्चुअली पेंट करके ऊपर ये पर्ल्स स्टिकर्स और ऊपर ये फ्लावर्स और ये मैंने अटैच कर रखे। अच्छा ये सेल पे है या ऐसे घर के लिए बनाई है? घर के लिए। अच्छा किस बनाई है? दिखाओ जरा अपनी आर्ट। मेरी फ्लूइड आर्ट। ये फ्लूइड आर्ट है? यस। ये तुमने कब बनाई थी? कुछ महीनों पहले। ये देखो इस एज में बच्चे ने ये 12 साल की एज में फ्लूड आर्ट बनाई है और वाह बहुत अच्छा यार। और क्या? और यहाँ पे मैंने ये वाइपर पेंटिंग बना रखी है, बहुत सिंपल है ये। अच्छा वाइपर पेंटिंग, ये वाइपर से बनती है? नहीं इसपे सिर्फ पेंट डाल के ऐसे फुल वाइपर। अच्छा वाइपर मार देते हैं। और क्या? एक और फ्लूड आर्ट है मेरी। अच्छा ये फ्लूड आर्ट है, गुड वेरी गुड। और यहाँ पे आते हैं मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग, वह है ये सनफ्लावर पेंटिंग बनाई है। ओके और ये क्या, ये क्या है ये जो रखी है? ये रेजिन की चेन्स है। क्या है? रेजिन की चेन्स। रेजिन किचन्स की चेन्स। किचन। यस की चेन। या ओके चाबी की गुच्छा रेजिन से, मतलब आप अपने नाम का भी बनवा सकते हो, है ना? कोई भी बनवाना चाहे अपने नाम का भी बनवा सकता है, कस्टमाइज होते हैं। तुम्हें इसका ऑर्डर आया अभी तक कोई? हाँ, 2000 का ऑर्डर भी आ गया। yes. 12 साल का बच्चा देखो कमाना भी शुरू हो गया। अरे वाह दिखाना जरा, एक हाथ दिखाओ जरा। अभी मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए बनाया है एल। अच्छा क्या नाम है उनका? लीना दुआ। अरे वाह ये लीना दुआ जी के लिए बनाया इसने, वाह। और ये खुद बनाया सब? यस। ये किससे बनता है ये? ये रेजिन और पूरी किट आती है रेजिन की, तो उससे बनाया मैंने। अच्छा लिक्विड होता है क्या? लिक्विड होता है। यस। अच्छा और? और ये जेब, ये भी मेरे प्रिंसिपल ही हैं जवाहर सर। जवाहर सर के लिए जे से बनाया है, दिखाना जरा। ये जवाहर सर के लिए इसने जे से बनाया। चलो जवाहर सर जी, जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत बहुत। और यहाँ पे मेरा कस्टमाइजेशन आया जय गुरु जी के बनाने के, तो उसका आई ये रहा। अच्छा जय गुरु जी पे बनाना है आपने? जैसे उसका आई है। हाँ। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ऑर्डर दिया है तो उसके लिए एम। अच्छा एक मेरा। अच्छा एक बात बता, ये फ्रेंड ने ऑर्डर दिया तो फ्रेंड से पैसे लेगी? यस। ये है असली बिजनेसमैन, गरीबों को फ्री इलाज करेगी और फ्रेंड से पैसे लेगी, ये क्या मतलब है? ये डॉक्टर बनेगी तो गरीबों का फ्री इलाज करेगी, लेकिन फ्रेंड्स तो अमीर होगी ना, है ना? हाँ पैसा तो लेना बनता है। अच्छा चल यहाँ पे मेरा जय गुरु जी वाला बनाने के लिए जी जे जी। अच्छा जी यू है, यू गुरु जी। हाँ जी और जी है। ये सब खुद बनाया तुमने? यस। अच्छा गुड। और अभी और बन रहे हैं उसी तरह। अरे वाह चलो ये देखो बच्चा, ये देखो सारा काम चलता रहता है इस बच्चे का और ये लगी रहती है 12 साल की एज में सब ताम झाम लपेटा हुआ है। अब ये होता है असली, जिसको कहते हैं ना कि असली टैलेंट बच्चों में खुद होता है, ये किसी के कहने से नहीं आता। क्या बात है क्या बात है। मैंने सुना तू डांस भी बहुत अच्छा करती है, है ना? मेरी एक वीडियो भी है। कौन सी? डांस की, मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे तेरा डांस, ठीक है? और गाना तो नहीं गाती ना? नहीं नहीं बस खाली खाली डांस। हाँ। चलो अब ये डांस का वीडियो रह गया, इसको हम बाद में शूट करेंगे। और तूने जो दिखाया भाई मन्नत मेरा, तो सच में हम तो ऐसा लगता है 12 साल के एज में ना हमें अपना नाक पूछना भी नहीं आता था। हाँ। जितने बच्चे तुम लोग टैलेंटेड हो ना, हमारी एज में कुछ नहीं करते थे हम लोग सिवाय खेलने कूदने के अलावा, और तूने 12 साल में इतना कुछ कर लिया है अभी तेरे। लेकिन अब तू सोच लेना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, या तुमने क्रिएटिविटी उस लाइन में जाना है? सिर्फ हॉबीज है, हॉबीज है, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना है। यस।
ओके चलो मदर टेरेसा जी बाय। और हम चाहेंगे मन्नत एक काम कर, मेरे सब्सक्राइबर को बोल कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? अच्छी वीडियोस चाहिए। और मन्नत का चैनल भी है, मन्नत अपना चैनल बताओ। स्वीट पी मन्नत, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी। चल ठीक है, थैंक यू, ओके बाय 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 बाय।